नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। शंघाई लेकर के चलेंगे आपको। जी हाँ, लेकर के चलेंगे न्यूज में। और शंघाई में खबर है कि वर्ल्ड का पहला मैनलेस बैंक यानी कि चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक CCB ने लॉन्च कर दिया है ऑटोमेटेड स्कीम के द्वारा। यानी कि चीन में एक ऐसा बैंक आ गया है शंघाई में, जहां पर कोई भी मैन पावर नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं होगी। जरा सोचिए, ये बैंक काम करना अगर भारत में भी शुरू कर दे, और होगा ही आने वाले समय में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि केरल में वो कैशलेस बैंक को ला रहा है और यहाँ पर मैन पावर को जीरो करने वाला। क्या होगा इसका मतलब? शंघाई में ये टेक्नोलॉजी की निश्चित रूप से जीत है। एक ऐसा बैंक बनाया गया है जहाँ पर इस बैंक से करोड़ों लोगों को जो भी सुविधाएं दी जाएगी उसमें मैन पावर नहीं हो, और सारे जगह पर तैनात किया गया है रोबोट। जी हाँ, चीन में काउंटर पर जब आप जाएंगे वहाँ रोबोट आपका स्वागत करेगा और आप बैंक कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से बच भी जाएंगे। जिस प्रकार से बैंक के कर्मचारी इरिटेट हो जाते हैं, वो भी इरिटेशन आपको देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर रोबोट आपको नमस्ते कहेगा, चाय के लिए ऑफर करेगा, आपको कॉफी ला करके सर्व करेगा, आपको चेक काट करके देना है तो रोबोट को देना, रोबोट कैश निकाल करके देगा। यानी कि एक ऐसा बैंक जहाँ लोग नहीं होंगे, हर काउंटर पर रोबोट बैठे होंगे। और ये कल्पना नहीं है, शंघाई में काम करना शुरू कर दिया गया। शंघाई के बाद अगली प्लानिंग है चीन के CCB बैंक का कि वो बीजिंग में इसकी एक कार्यालय खोले, और इसके बाद हांगकांग ने भी कहा है कि वो इसका कार्यालय खोले। आने वाले समय में अगर भारत में ऐसी स्थिति हो जाती है तो कस्टमर के लिए तो बहुत अच्छा होगा, ग्राहकों के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन क्या इससे मैन पावर नहीं घट जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो इस समय सोशल मीडिया में चल रहा है। अगर सारी चीज़ों में रोबोट को लगा दिया जाए तो मशीन से काम तो आप ले सकते हैं, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट्स का क्या होगा? क्या इससे लोगों की रोजगार नहीं चली जाएगी? चीन कम्युनिस्ट कंट्री है और इसके चलते समाजवाद को वहाँ प्राथमिकता दिया जाता है। समाजवाद के कारण चीन के अधिकांश उद्योग पर प्राइवेट के अलावा सरकार का कब्जा होता है, यानी कि नियंत्रण सरकार करती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या चीन के तर्ज पर भारत में भी सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड मशीन से लिंक कर दिया जाएगा? और केरल में इसकी शुरुआत हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब एक नई शाखा खोली है जिसमें उसने ऑटोमेटेड मशीन से सारे चीज़ों को लिंक कर दिया है। वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी दस्ता नहीं होगा, और साथ ही साथ किसी भी ग्राहक को किसी दूसरे व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी, बल्कि मशीन और कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा। सबसे बड़ा मेरिट इसका ये होता है कि काम आसानी से हो जाता है, आपको घंटों चक्कर नहीं लगाना होगा। और जो आप सुनते हैं कभी कभी कि पैसा का लेन देन करके लोन पास होता है, ये चीज़ें भी रुक जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा डिमेरिट भी हो जाएगा कि ऐसे चीज होने से लोगों के रोजगार चले जाएंगे, लोग फिर से बेरोजगारी में आएंगे, और बेरोजगार होने के बाद क्राइम का स्तर बढ़ जाएगा। हम ऐसे ही विश्लेषण आपके साथ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय IAS अकेडमी और झारखंड न्यूज़ दोनों की ओर से नमस्कार।